फेस टू इंजन के साथ आ चुका है। E20 की भी ब्रांडिंग देख सकते हो यहाँ पर, इंस की ये बाइक आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। सिटी में इस बाइक को ऑन रोड प्राइस चल रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक विल में। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं शौर्य होंडा शोरूम के, जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है द ऑल न्यू 2023 की होंडा हॉर्नेट 2.0, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है मैट मार्बल ब्लू मेटालिक कलर में। ये टोटल 8 कलर ऑप्शंस में आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ये वाला जो वेरिएंट है ये है OBD2 वाला वेरिएंट। यस गाइस, ये ऑल न्यू BS6 फेस टू इंजन के साथ आ चुका है और इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर आप E20 की भी ब्रांडिंग देख सकते हो यहाँ पर, मतलब आप इस बाइक में E20 फ्यूल भी यूज कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू और आपको बताने वाले हैं इसके न्यू रीप्राइजिंग के बारे में। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ऑल न्यू 2023 की होंडा हॉर्नेट 2.0 के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लगती है देखने से, स्पोर्ट बाइक वाला फील आता है देखने से और बहुत ही ज्यादा अच्छा पावर भी मिल जाता है। बाकी की यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम 2 की कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, जिसमें आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टैंक में की का ऑप्शन। यस गाइस, यहाँ पर आपको की ऑन टैंक मिलता है, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर हैंडल के ऊपर नहीं मिलता है, टैंक में आपको की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बात कर लूँ फ्रंट लुक के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है होंडा की ब्रांडिंग। जो इंडिकेटर्स मिलते हैं गाइज, इसमें आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं देखने से। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल ओवर इसका लुक, और यहाँ पर आपको 1000 लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये जो फ्लेक्सिबल डिजाइन हैं, बस डिजाइन हैं, यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं बात कर ले इसके LED हेडलाइट सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रेसिव लुक और इसका जो ऑल ओवर जो थ्रो है, इसका ऑल ओवर जो विजिबिलिटी है बहुत ही अच्छा मिलता है। स्प्लिट में आपको LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है इसका। बाकी फ्रंट का लुक एग्रेसिव मिलता है, शार्प शेप में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सबसे प्यारी चीज जो सबकी फेवरेट है वो है गोल्डन USD फोक्स। यस गाइस, इस बाइक में आपको गोल्डन USD फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम सा लुक प्रोवाइड करती हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो मडगार्ड मिलता है, फ्रंट में आपको बॉडी कलर मिल जाता है ब्लू कलर में, बैक साइड में आपको मैट ब्लैक का फिनिश मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ABS की ब्रांडिंग। यस गाइस, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टायर सेक्शंस और डिस्क सेक्शन के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको टायर सेक्शन दिखा देता हूं। फ्रंट टायर सेक्शन 110/70 इंचेस के आपको ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं अलॉयज में भी ब्लू ग्राफिक्स का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डिस्क सेक्शन मिल जाता है 276mm का ABS सेंसर, डुअल पिस्टन कैलिबर्स मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर जो कि राइट टू लेफ्ट दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। आइए बात कर लें इसके रियल लुक के बारे में। तो सबसे पहली चीज, स्प्लिट में 2 ग्रैब रिल जो कि ब्लैक कलर में है। बाकी इसका एक्स शेप टेल लैम्प जो कि आप देख सकते हो एक्स शेप में है ये। बाकी यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग के साथ ऊपर की ओर कार्बन फाइबर वाला फिनिश, और जो इंडिकेटर्स वो LED वाले, नीचे की ओर आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाता है, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, और पीछे की ओर जो मडगार्ड मिलता है वो भी फाइबर मिलता है। बाकी इसका जो रियर टायर सेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 140/70 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं, डिस्क सेक्शन 220mm का है, सिंगल पिस्टन कैलिबर्स में प्रेजेंट है, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी टायर हगर नहीं है, ओपन सा मिलता है। बाकी स्मॉल एग्जॉस्ट मिल जाता है, एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट, ऊपर का जो कवर मिलता है वो ब्लैक कलर मिलता है मेटल में। बाकी इसके जो साइड पैनल्स है इसमें आपको ग्रे का फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा, एक एग्रेसिव डिजाइन मिल जाता है देखने के लिए दोनों ही तरफ। बाकी मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको क्लॉक सिस्टम मिलता है आपके बैक सीट ओपन करने का। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी फिलहाल अभी कोई भी सारी गार्ड या सिंगल फीमेल फुटर्स नहीं मिल रहा, बट ये आपको फिटेड ही मिलता है, अभी फिलहाल फिट नहीं है। बाकी ओपन चेन सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी कवर देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप देख सकते हो। और बात कर ले इसके सीट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिट में 2 सीट मिल जाती है। मैं कुशनिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुशनिंग मेरे को उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी हार्ड आपको फील होगी। सीट लेंथ आपको मिल जाती है 590mm की, तो अच्छा खासा सीट लेंथ मिल जाता है बैठने के लिए। बाकी टैंक के पास देख सकते हो हॉर्नेट की ब्रांडिंग मिल जाती है वाइट ग्राफिक्स में। यहाँ ऑल ओवर जो टैंक में ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है वो है आपका ग्लॉसी ब्लू का फिनिश, बीच में आपको मिल जाता है कार्बन फाइबर वाला फिनिश जो कि ब्लैक कलर में है विद होंडा की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको जो ऑल ओवर कार्बन फाइबर वाला फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। बाकी होंडा की ब्रांडिंग आपको दोनों ही तरफ मिल जाती है, जो कि है आपका 3D में
क्रोम फिनिश के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एक्सटेंड लुक मिल जाता है। बाकी टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर की मिल जाती है। कंपनी क्लेम्स की ये बाइक आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी 55 प्लस, तो अच्छा खासा माइलेज भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑल अबाउट बात कर लें इसके हैंडल के बारे में, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। सेम स्विचेस हैं, सेम फंक्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का किल स्विच, हजार लाइट एडिशनल सेल्फ मिल जाता है, कोई भी किक नहीं है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूँ तो आपको एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर की ओर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल गेज हो गया, यहाँ पर आपको किलोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ ये मिल जाते हैं, बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हो, टाइम देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है, यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी नीचे की ओर यहाँ पर ABS लाइट है, न्यूट्रल लाइट है, और यहाँ पर आपको साइड कट ऑफ सेंसर भी डोनेट कर देता है इस जगह में। मैं आपको स्टैंड डाउन करके दिखा देता हूँ एक बार कि ऑल ओवर इसका लुक कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टैंड जब डाउन रहेगी तो लाइट इस तरह से जल जाएगी, और जब ऊपर रहेगी तो वो वहाँ से ऑफ हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यही सारे फीचर्स मिल जाते हैं फिलहाल देखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको की ऑन टैंक मिलता है, और मिरर्स की क्वालिटी, लीवर्स की क्वालिटी और सब चीज़ें अच्छी मिलती है, प्रीमियम सा फील आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी वहीं बात कर ले इसके इंजन के बारे में, तो आइए इंजन के बारे में आपको बता दूं। इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 184.40 सीसी का। ये 4-स्ट्रोक SI इंजन है, BS6 फेज 2 के साथ आ चुकी है विथ OBD2 सेंसर। मैक्सिमम पावर आपको मिल जाता है 17.26 PS, जो कि आपको 8500 RPM मिलता है। टॉर्क मिल जाता है 15.9 Nm 6000 RPM में। बाकी जो इसका इंजन कॉल है वो फाइबर में है, नंबर्स ऑफ गियर्स 5 मिल जाते हैं, 1 डाउन 4 अप, साइड कट ऑफ सेंसर विद डुअल स्टैंड का सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है इस बाइक में। वही बात कर ले इसके डाइमेंशंस के बारे में, तो गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 2034 mm का, वाइडनेस मिल जाती है 783 mm की, हाइट मिल जाती है 1064 mm का, और ग्राउंड स्पेस के बारे में बात करो तो 167 mm का आपको ग्राउंड स्पेस मिल जाता है। टोटल गाड़ी का कर्व वेट आपको मिल जाता है 142 kg का। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में दोस्त। तो इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 140,000 के आसपास, और जो ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है दोस्तों। हमारे सिटी में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस चल रहा है 175,000 के आसपास। आपके सिटी में जो भी इस बाइक का ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएगा। वहीं बात कर लें कि इस बाइक में क्या कुछ चेंजेस है, तो एज सच अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं है, बस OBD2 सेंसर, BS6 फेज 2 इंजन और E20 फ्यूल आप इस बाइक में आप यूज कर सकते हो, बस यही बदलाव के साथ आई है। अगर ये बाइक आपको परचेस करनी है तो शोरूम के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।